अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसानपुर रेलवे स्टेशन पे और इस वक्त टाइम है 2:35। तो मैं आज व्लॉग बनाने लगा हूँ एहसानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में। ये इसकी सतह समंदर से जो ऊंचाई है वो है 452 फीट और ये किलोमीटर नंबर 91 पे मौजूद है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी हिस्ट्री। 22 जनवरी 1887 में ये बना था, यानी ये भी 135 साल पुराना स्टेशन है। और ये माशाल्लाह इधर बहुत खूबसूरती सब्ज़ा ही सब्ज़ा है इस तरफ। और अभी आपको उस तरफ ले चलते हैं ये फायर बुझाने के लिए। थोड़ा बहुत ये अंदर मिट्टी पड़ी है, रेत पड़ी है। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये इसका टिकट घर है, मुसाफिर खाना जिसे बोल सकते हैं, मुसाफिर खाना है ये। और ये टिकट घर है एस जमीलैंड कंपनी के वालों का, और उधर साथ में किराया नामा लिखा हुआ है जो आपको दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ स्टेशन्स के किराए लिखे हुए हैं और ये एस जमीलैंड कंपनी वालों का नंबर है जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ये टिकट घर था और अभी जो है ना रिज़र्वेशन बुकिंग ऑफिस है एस जमीलैंड कंपनी वालों का। तो ओवरऑल ये स्टेशन बहुत प्यारा है। और इसके बाद आपको ले चलते हैं इसके थोड़ा सा आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये मस्जिद है और ये देखें इधर माशाल्लाह बहुत ग्रीनरी है रखते हैं। और ये मस्जिद बनी हुई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो इस वक्त मौजूद है यहाँ पे कुंदिया बीटीओ मौजूद है। और ये आपको दिखाएं स्टेशन मास्टर का दफ्तर है। माशाल्लाह पानी पीने के लिए कूलर भी मौजूद है। और इस वक्त मौजूद है जी कुनिया बीटीओ इधर वेटिंग फॉर द क्रॉस। उधर से अप साइड डाउन साइड से आ रहे हैं एक रिलीफ इंजन आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि 130 डाउन थल एक्सप्रेस की पावर फेल हुई थी 71 बिटवीन बीहल एंड करोड़। तो उस वजह से फिर 949 चला था महमूद कोट से रिलीफ इंजन, तो वो मुल्तान लेकर गया गाड़ी को। अब सुबह जो 129 अब थल एक्सप्रेस चलेगी उसके लिए कुंदिया से रिलीफ इंजन आ रहा है HBU 28069। तो ये है कुंदिया बीटीओ इस वक्त जो ठहरी है क्रॉस के लिए। इसके साथ लोकोमोटिव है GMCU 15 4906 4906। और ये कुंदिया बेस्ड लोकोमोटिव है, साउंड आप सुन सकते हैं इसका। और ये छोटे छोटे से फायर पार्टिकल्स भी एक्सपेल कर रहे हैं। और ये इसका रिवायती धुआं आप देख सकते हैं हल्का हल्का निकल रहा है। तो ये कुंदिया बेस्ड लोकोमोटिव है, जनरल मोटर्स यूनिवर्सल का लोकोमोटिव है ये। तो ये जो है ना सिर्फ 2 ऑयल टैंकर हैं इसके साथ अटैच हैं, ये कुंदिया जा रहे हैं। ज़्यादा कोई रोशनी नहीं है तो इसी वजह से व्यू कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। बाकी ये मस्जिद और आगे जो है ना कोई प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म इसका कोई ख़ास इम्प्रेसिव नहीं है जिसको अप्रिशिएट किया जाए, बस ये ऐसे समझ लें कि गुजारे लायक है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ डाउन रिलीफ इंजन जो आ रहा है उसको कैप्चर करेंगे इंशाल्लाह। कि आपको स्टेशन तो दिखा दिए, इतना बुरा भी नहीं है माशाल्लाह, अच्छा है। और स्पेशली इसकी खूबसूरती के तो क्या कहने। सामने स्टेशन मास्टर का रूम भी आपको नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं डाउन रिलीफ इंजन के साथ और फिर इसका 4906 भी आपको दिखाएंगे करीब से। जी तो व्यूअर्स, कुंदिया बीटीओ अभी वेट कर रही है और उधर से रिलीफ इंजन पहुंच चुका है जो कि मुल्तान जाएगा। और एक्सपेक्टेड ये है कि 129 आपको ये लीड करेगा। और अगर 129 आप के पहुंचने तक, मतलब उसके अराइवल डिपार्चर टाइम तक ये मुल्तान ना पहुंच सका तो फिर ये शाम को 127 अप वर्क करेगा और 128 की जो पावर है तो उसको मेरे ख्याल में वो जो है ना 129 अप वर्क करेगी। 128 की जो पावर जाएगी यानी 8051 जो आज 128 की लीड पे है। अभी एहसानपुर ये पहुँच रहे हैं डाउन रिलीफ इंजन।
इसका अराइवल आपको दिखाते हैं। काफ़ी स्लो आ रहे हैं। और टोकन मैन मौजूद हैं टोकन एक्सचेंज करने के लिए। तो मेरे ख्याल में गाड़ी इधर से इधर रुकेगी, चांसेस तो यही हैं रुकेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, गाड़ी रुकती है कि थ्रू जाती है। जी तो ये थ्रू जा रहे हैं यहाँ से। जी तो थ्रू चले गए हैं जी।